नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संगीत शर्मा स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं पहले, और फिर बताता हूं कि किस तरह अक्सर पूछा जाता है ये गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस, अच्छा तनाव लेना ताकि हम आगे बढ़े लाइफ में, और कई बार ऐसा तनाव जो हमें परेशान करे, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ पहले, कि दो सन्यासी थे, वो जंगल में जा रहे थे, बीच में नदी पड़ती है। तो नदी पड़ती है तो उसे पार करने के लिए, तैरने के लिए उसके अंदर जैसे वो तैयार होते हैं तो एक लड़की आती है वहां पर। वो बोलती है कि मुझे तैरना नहीं आता, आप मुझे नदी पार करवा दोगे। तो उनमें से एक सन्यासी जो बड़ा होता है, 60-70 की एज का होता है, वो गुस्सा हो जाता है कि आपको दिखता नहीं हमारे कपड़ों को देखकर, हम ब्रह्मचारी है सन्यासी है, हम स्त्री को टच नहीं करते, लड़की को टच नहीं करते, आप किसी और का इंतजार कीजिए। लेकिन उसका जो शिष्य था 20-21 साल का, वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको पार करा देता हूँ। तो वो उसे अपने साथ लेकर नदी को पार करा देता है। बड़ा सन्यासी गुस्से में आता है लेकिन कुछ बोलता नहीं, चुप हो जाता है कि कोई बात नहीं, इसने गलत किया है। गुस्सा बहुत आता है, वो उसे नदी पार करवा के किनारे पर उतार देता है, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। सुबह से चलते चलते शाम हो जाती है, कई घंटे बीत जाते हैं। बड़ा सन्यासी गुस्से में था, बोलता नहीं है उससे, छोटा भी अपनी मस्ती में चलता रहता है। जब काफी टाइम बीत जाता है, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, तो बड़ा सन्यासी बोलता है, तुमने पाप किया है, तुमने ठीक नहीं किया। तो छोटा पूछता है कि क्या हुआ गुरुजी, क्या कर दिया मैंने, कि तुम उस लड़की को उठाकर लाए, उसे तुमने नदी पार कराई, किनारे पर उतारा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तो वो बोलता है कि गुरुजी मैं मानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन माफी मांगता हूं, आपने मुझसे भी बड़ा पाप किया है। तो गुरुजी बोलते हैं, क्यों, मैंने क्या किया है। मतलब मैं उस लड़की को नदी के किनारे पर ही उतार आया था, वो लड़की अभी भी आपके दिमाग में बैठी है, अभी भी आप उसे ढो रहे हो, तो मुझसे बड़े पापी आप हो। इतना सुनते ही बड़ा सन्यासी चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं आता। तो दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हैं जो सिचुएशन आती है उसमें डील करके चीजों को वहीं छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कई कई साल तक उस बोझ को ढोते रहते हैं, जो कि आपकी हेल्थ आपके रिश्तों को खराब करता है। अगर सिचुएशन के लिए स्ट्रेस आया है, किसी काम को करने के लिए आया है, तो ये अच्छा स्ट्रेस आपको फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, वो दिन बीत चुका है, और आगे तक आप उसी को ढोते हुए जा रहे हो, उसी नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो ये अब आपके लिए नुकसानदायक है। तो सवाल क्या है, स्ट्रेस अगर बाहर है जीवन के और आपने उसे यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिमाग में आ गया है और मेहमान बन चुका है आपका, तो ये अब आपको परेशान करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल मैच है, उसके टाइम स्ट्रेस लेकर प्रैक्टिस करना बुरा नहीं है, लेकिन बेड स्ट्रेस लेना, हाइपोथेटिकल हो जाना, ऐसा हो गया तो, और तनाव को अपने जीवन में भर लेना, ये खराब है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी देर तक आपको स्ट्रेस होल्ड करना है और कब उसे छोड़ देना है। छोड़ने का भी टाइम आपको पता होना चाहिए, स्विच करने का टाइम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़ा सन्यासी था, हमें वो नहीं बनना, जो छोटा सन्यासी था वैसा बनना है, कि जीवन में तनाव आए, समस्या आए, उसे समझो, उसे डील करो, छोड़ दो, उसे लेकर आगे जीवन में मत जाओ, वरना वो आपको परेशान करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बात समझ में आई होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।